अच्छा, ये अब्बास खान सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है उसकी वजह से लड़कियों को पर लग रहे हैं। थोड़े उनके टोन ऐसी है, मैं एज इट इज़ पढ़ूंगा। कोई बात नहीं और आपकी जो पोस्ट्स हैं उनको पढ़ के वो घरों में उनके पर फड़फड़ा रहे हैं, इस पे आप नहीं क्या सवाल है। इतना ये देखिए बात यह है कि जिस दिन हमें पता चल गया ना कि औरत भी इंसान होती है आदमी की तरह, तो हमारी साइकोलॉजी सही हो जाएगी। हम लड़कियों को ना कोई और मखलूक समझते हैं। यही मैं पर अगर लड़कों को लगा रहा होता आपके ख्याल से तो फिर तो ठीक था। सो मैं से आपको जवाब बड़ा आसान करके दे देता हूँ आप ही की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, कि जो पर है ना ये अल्लाह ताला लगा के देते हैं और माँ बाप का काम होता है उन परों को का साइज बढ़ाता रहे ताकि वो ऊपर और ऊंचा उड़ सके। हम लेकिन करते क्या हैं, हम समझते हैं कि ये कोई और मखलूक है इन, और हम इन इनके पर जो है ना वो पर काट रहे होते हैं। मैं पर नहीं लगा रहा हूं, आप पर काट रहे हैं, पर अल्लाह ने लगाए हुए हैं। मगर जब पर कोई काटता है ना किसी के, तो फिर परिंदा फड़फड़ाता है। बड़े परों वाला परिंदा पर फड़फड़ाता नहीं है, पर फैलाता है। ये छोटे परों वाले परिंदे बेचारे पर फड़फड़ाते हैं। कभी सुना है कि बाज अपने पर फड़फड़ा रहा है? ये आप जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि अल्लाह ताला ने कितने बड़े काम लेने के लिए इंसान को पैदा किया था, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ आपने ज्यादतियाँ कर दी अपनी बच्चियों के साथ। ये इतने ये कायनात की 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 के मकासद पूरे करने वाली मशीनें आपके पास अल्लाह ताला ने आई थी, और आपने बस सास को खुश करना और शोहर को खुश करना, ये कहानी आपने सोची है। इसीलिए पाकिस्तान की पूरी नस्ल तबाह, दुनिया की नस्ल तबाह हो रही है। बिकॉज उस बेचारी बच्ची को यही नहीं पता कि वो कितनी कितनी बड़ी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की। और ये गलती मेरी तरफ से नहीं है, ये हम सबकी तरफ से गलती है कि हम ये समझते हैं कि हमारे हाथ में है कुछ। ये रिएक्शन जो आ रहा है ना ख्वातीन का, ये इटसेल्फ एक सबूत है कि एक बड़ा बड़ा अलार्म बज रहा है उनके अंदर, कि इतनी बड़ी हस्ती को हमने छोटे से छोटा करके दड़बे में बंद करने की कोशिश की। मैं लड़कियों के बेपर्दगी के हक में नहीं हूं, मैं लड़कियों की सोच के खत्म होने के खिलाफ हूं। इस्लाम में हर जगह आप पढ़ के देख लें, मुझे बताएं अल्लाह ताला ने कब अकल के ऊपर पर्दा करने का हुक्म दिया औरत को? बहुत जरूरी बात है, आपको पता हो कि हम सोचने नहीं दे रहे बच्ची को, और वो इसीलिए कमजोर तरीन माँ बन रही है। उम्मत का मसला ना अहल बाप और कमजोर माँ है। लड़का अहलियत नहीं ले रहा और लड़की ताकत नहीं ले रही, ये दोनों कौन देता है? ये माँ बाप ही देते हैं। सो इसको इसको बहुत इत्मीनान और ध्यान से समझिए, और लोगों की बच्चियों को भी अपनी बेटियों की तरह ही ट्रीट करें, तब आपको पता चलेगा जो नाज नखरे अपनी बेटियों के लिए उठाते हैं ना, ये बाकी की लड़कियां भी उसी तरीके से लोगों की बच्चियां ही हैं, उतनी ही अजीज है हम सबको, और ऐसे ही होनी चाहिए। पता नहीं क्यों हमने समझ लिया कि कोई कमोडिटी हमारे इस्तेमाल और प्लेजर के लिए अल्लाह ने नाउज बिल्ला पैदा किया। अपने जहन में खतीजा अतुल कुबरा और फातिमा जहरा और आयशा सिद्दीका के नाम रखा करें, तब लड़कियों के बारे में बात करने की जरूरत किया करें। ये बेहद ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कितनी अजीम हस्तियां जो है ना, इनके एहसानों तले दबी भी है उम्मत इस वक्त। एक हजरत आयशा को निकाल दूं ना तो आधे से ज़्यादा इल्म गिर जाता है उम्मत का। वो अगर इस तरह सोचते ना तो हो जाता हमारा पूरी की पूरी मुसलमान उम्मत का काम, कि जी नहीं, मैंने सोचना नहीं और मैंने अमल में नहीं लेके आना पूरे इल्म को। सो अंडरस्टैंड कितना बड़ा परिंदा हमें मिल चुका है, और हम रोज उसके उसको बस पर काटते रहते हैं कि किस तरीके से ये कुछ करना बैठे कहीं। अच्छा, इसी से वैसे एक दूसरा सवाल आता है कि हम देख रहे हैं कि दो एक्सट्रीम्स जा रही हैं। एक एक वो है जो बहुत ज़्यादा उनको घर में बंद कर दिया गया, ठीक है, मर्दों ने किया है, जिस माशरे ने किया है। फिर एक वो है इसके रिटेलिएशन है या जो भी वजह है, फिर वो बहुत ज़्यादा ओपन और बहुत ज़्यादा आज़ाद और बहुत इंडिपेंडेंट इनकी रिटेलिएशन में, जिसकी वजह से वो शायद दीन की भी बहुत। देखिए, वो एक सोशल कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है आज़ादी और बेराहरवी, ये रिएक्शन है। वो हमें सही बताऊं, अल्लाह ना करे ऐसे हो, मगर एक दो नस्लों में हमें ना ये वाली कुर्बानी भी शायद देनी पड़ जाए। मगर ये वाला मामला जो सोच को काबू करने का मामला है ना, उसको पस करने का, ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ये पूरी के पूरे 50-60 नस्लों को तबाह कर रहे हैं हम। एक नस्ल को पर्दा पूरा कराने के लिए बाकी की सारी नस्ल गुलाम कर दी भी हमने।
गुलाम गुलाम पे गुलाम पैदा हो रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सोचने नहीं देना किसी को। मुझे पता है कि आप जो क्या कह रहे हैं, मुझे भी पता है किस लेवल के ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं खवातीन के। वो रिएक्शन के हक में मैं भी नहीं हूं, मगर वो रिएक्शन पता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने जिस जगह पे ताला लगाने की कोशिश की है ना, वो ताला उनकी सोच के ऊपर भी लग रहा है। तो ये कोई भी इंसान, ये बल्कि उनके इंसान होने की सबसे बड़ी दलील है, उनके अजीम होने की सबसे बड़ी दलील है कि वो वाले जो कफस है ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपसे भी नहीं होना था, आप मर्दों से भी नहीं बर्दाश्त होना वो कफस। सोच के ऊपर पहरे मत लगाएं, सवाल पूछने दें उनको, उनको जवाब अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आपकी नाहली है। ये मामला मुझे समझ नहीं आता कि औरत के बड़े मकसद के बीच में पर्दा कैसे हायल हो रहा है। पर्दा करके भी औरत दुनिया के सबसे बड़े मकसद तो काम पूरे कर सकती है। ये किसने हमसे कह दिया कि बड़े काम करेंगे या पर्दा करेंगे? ये कौन सा फलसफा है हमारा कि खातून या तो अल्लाह ताला के मकसद पूरे करेगी या फिर अल्लाह का एक अमर जो है पर्दे का वो पूरा करेगी? ये फलसफा किधर से आ रहा है? मैंने आपसे कहा ना कि ये वाली हस्तियां मैं निकाल दूं ना अपने फलसफे की, जो हमारी जो टॉर्चेज हैं, जो जिन्होंने मशल दिखा के पूरी उम्मत को रोशन किया है। एक भी औरत, उस औरत को निकाल दूं जो अल्लाह के नबी सलाम का डायरेक्ट इल्म हम तक पहुंचा बैठी, तो तब आपको पता चल जाए कि कितना बड़ा नुकसान होता क्या है हमारे साथ फिर। सो इट्स द सैडेस्ट थिंग, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हमने आधी से ज्यादा उम्मत के बारे में ये फैसला कर लिया। इमाम और खवातीन की बात कर रहा हूं, हमने आधी से ज्यादा उम्मत के बारे में फैसला कर लिया है कि ये तो काम करेगी नहीं कोई, ये सिर्फ गोल रोटियां बनाएगी बस, और कोई काम नहीं है इसका। और जो बाकी की उम्मत है, जो बचा कुचा हमारा, जो बेटे हैं हमारे, उनके ऊपर बोझ डाला हुआ हमने, और वो फिर जो कर रहे हैं हमें नजर आ रहा है उसके बाद। तो अभी इस वक्त पॉइंट नहीं है, ये नहीं है कि लड़कों के साथ क्या करना है, इसलिए मैं आपके सवाल को